बहू फिर से शॉपिंग? अभी 10 दिन पहले ही तो तुम गई थी और ये सेल का इतना सामान फिर से ले आई। इनमें पैसे बर्बाद मत किया करो। पार्थी जी ने समीक्षा को टोका तो उसका पारा चढ़ गया। मम्मी जी, मेरा घर है, मेरा पति कमा रहा है, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? मैं कहीं भी खर्च करूं। मेरी मम्मी ने कभी ना टोका, फिर आप क्यों टोक रहे हैं? मैंने कभी आपसे तो पैसे नहीं लिए। समीक्षा की बेबाकी सुनकर भारती जी का चेहरा उतर गया। समीक्षा जो सामान लाई थी वो जरा भी काम का नहीं था। सिर्फ सेल में जाकर सामान बटोर कर लाने को तो शॉपिंग नहीं कहते हैं। आशुतोष की सैलरी अच्छी है तो वह समीक्षा को हर महीने कुछ खर्च के पैसे देता था। समीक्षा उन रुपयों को 15 दिन में ही खर्च कर देती थी। उसकी जरा भी बचत की आदत नहीं थी। समीक्षा अपने माता पिता की इकलौती संतान रही है तो उसने अपनी बेटी की सभी इच्छाएं पूरी की है। समीक्षा और आशुतोष की लव मैरिज हुई थी। समीक्षा पैसे वालों की बेटी है जबकि आशुतोष एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखता है। दोनों ने जब शादी के लिए कहा तो भारती जी ने मना कर दिया था क्योंकि समीक्षा अमित घराने से थी। उन्हें लगता था वो इस परिवार में रह नहीं पाएगी, पर दोनों ने जिद पकड़ ली और शादी कर ली। समीक्षा के घर वालों ने महंगे जेवर, वस्तुएं और कपड़े दिए थे, लेकिन घर तो हर महीने समझदारी से चलता है, इसका गुण समीक्षा में नहीं था। जब भी मॉल में सेल लगती थी वो कुछ न कुछ उठाकर ले आती थी। उसमें कई कपड़े और सामान तो बिल्कुल काम का ही नहीं था। रसोई कैसे चलाते हैं, सामान को कैसे काम में लेते हैं, इसका समीक्षा में एक भी गुण नहीं था। आशुतोष और समीक्षा की शादी को साल भर होने को आया था, पर अभी तक समीक्षा घर के हिसाब से नहीं रहती थी और भारती जी को ये सब फिजूल खर्ची लगता था। आशुतोष के पिता के निधन के बाद उन्होंने बेहद ही समझदारी से घर चलाया था। ज्यादा पढ़ी लिखी तो नहीं थी, इसलिए अपने सिलाई का हुनर काम में आया। लोगों के कपड़े सिलने लगी और पैसा आने लगा, पर वो भी बहुत ज्यादा तो नहीं था। वो पाई पाई का हिसाब रखती थी। तीनों बच्चों को अकेले पालना, उनकी पढ़ाई लिखाई करवाना, सब कुछ आसान तो नहीं था। बड़ी हिम्मत रखी, धैर्य रखा, दोनों बड़ी बेटियों को पढ़ाया और वो स्कूल में टीचर बन गई। दोनों अपने पैरों पर खड़ी थी, इसलिए ज्यादा दहेज लिए बिना ही उनका विवाह कर दिया। फिर भी विवाह में बाकी के खर्चे भी तो होते हैं, वो सब उधारी पर ले रखा था। सबको आश्वासन दिया था कि आशुतोष की नौकरी लगते ही सब चुका देगी। आशुतोष पढ़ाई में तेज था, उसकी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई थी, वो कमाने लगा था। पर भारती जी के माथे पर अभी बेटियों के विवाह का कर्ज था जिससे वो जल्दी ही मुक्त हो जाना चाहती थी। उन्हें इसका भी समय नहीं मिला। नौकरी लगते ही आशुतोष ने अपनी कॉलेज में साथ पढ़ने वाली समीक्षा से शादी कर ली। इधर आशुतोष के विवाह में भी पैसा लगा था। अब इन सब कर्जों से भारती जी जल्दी ही मुक्त हो जाना चाहती थी। भारती जी घर देख कर चलती थी, जिस चीज की जरूरत ही नहीं है वो तो कभी लाए ही ना जाए। वो कंजूस नहीं थी, वो मितव्ययी थी। समीक्षा को उनकी मितव्ययिता जरा भी पसंद नहीं थी। वो शुरू से खुले हाथों से खर्च करती थी। शादी के कुछ दिनों तक तो उसे मनमानी करने दी, लेकिन बाद में आशुतोष और भारती जी ने उसे समझाया भी था कि उसे देख कर चलना चाहिए और हमें इतना कर्ज चुकाना भी है। ये सुनकर समीक्षा ने कहा कि कर्ज आपने लिया है तो इसके लिए मैं अपनी इच्छाएं क्यों मारूं? मैं क्यों समझौता करूं? आपने अपनी बेटियों के लिए कर्ज लिया है, आप ही चुकाओ। भारती जी चुप ही रहती, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी और बढ़ती उम्र के चलते आंखों से कम दिखने लगा था, इसलिए उन्होंने अपना सिलाई का काम भी बंद कर दिया था। अब घर में कमाने वाला एकमात्र आशुतोष था। भारती जी को कोई भी चीज बर्बाद हो ये पसंद नहीं था। समीक्षा खाना तो बना लेती थी, पर बहुत ज्यादा बना लेती थी, फिर उसे फेंक देती थी। सब्जियां और राशन का सामान इस तरह फेंकना भारती जी को रास नहीं आता था। वो अक्सर टोका टोकी करती थी। उनकी टोका टोकी से समीक्षा चिड़ी चिड़ी रहती थी। मम्मी जी, या आपकी बचत का फंडा आपके पास ही रखे, मुझे इस तरह की कंजूसी जरा भी पसंद नहीं है। जब मेरा पति इतना अच्छा कमा रहा है तो मैं कहीं भी खर्च करूं, आप मुझसे पैसों का हिसाब मत मांगा कीजिए। भारती जी के पास कोई विकल्प ही नहीं था
अपनी बहू के कड़वी बातें वो आशुतोष को भी नहीं बताती थी। वो नहीं चाहती थी कि घर में कलेश हो, बेटा और बहू आपस में लड़े और टकरार करे। वो समीक्षा को ही समझाती थी कि बचत करनी चाहिए, इससे बुरे वक्त में सहारा मिलता है। केवल तुम ही आशुतोष की जिम्मेदारी नहीं हो, वो मेरा बेटा भी है, उसकी इस घर के प्रति भी कुछ जिम्मेदारी है। अब जो कर्ज लिया है वो आशुतोष से चुकाएगा और पत्नी होने के नाते तुम्हें भी समर्थन करना चाहिए और एकजुटता से मिलकर इस कर्ज को उतारना चाहिए। बस कुछ ही समय की बात है। पर समीक्षा के दिमाग में ये बात घुसती नहीं थी। आशुतोष भी उसे समझाता था कि सोच समझ कर खर्च करो, पर उसने तो ठान रखा था कि वो किसी की बात नहीं मानेगी। कुछ महीनों बाद एक दिन उसकी मम्मी का फोन आता है कि समीक्षा, हम कल दूसरे घर में रहने जा रहे हैं। मम्मी, पर क्यों? अपना इतना अच्छा घर है, आप इसे छोड़कर क्यों जा रहे हो? समीक्षा, अब ये घर हमारा नहीं रहा, तेरे पापा को बिजनेस में बहुत घाटा हुआ है, अब इन पर भारी कर्ज चढ़ गया है। हमने हमारा घर बेच दिया है, इससे पैसा चुका देंगे और हम किराए के घर में रह लेंगे। मम्मी की बात सुनकर समीक्षा रोने लगी। पर मम्मी, आप इतने बड़े घर में रहने वाली एक छोटे से घर में कैसे रहोगी? कर्ज तो पापा ने लिया है, तो तकलीफ आप क्यों सहोगी? समीक्षा, पत्नी पति के हर सुख दुख की भागीदार होती है। पति के सिर पर कर्ज हो तो पत्नी कैसे सुख से रह सकती है? ये उसकी भी जिम्मेदारी होती है कि वो पति के कर्ज को चुकाए और अपनी तरफ से हर प्रयास करे। आखिर पति जो भी करता है वो परिवार और उसकी पत्नी के लिए ही तो करता है। हर पति की यही कोशिश रहती है कि वो हर तरह से पत्नी को खुश रखे, उसकी जरूरत का ध्यान रखे। तो पत्नी का भी फर्ज होता है कि वो अपने पति का सुख में ही नहीं बल्कि दुख में भी साथ दे। समीक्षा ने फोन रख दिया। अपने मम्मी और पापा के लिए वो बहुत दुखी थी। उसे आज समझ आया कि पति के कर्ज में पत्नी भी साझेदार होती है। पति परेशान हो तो पत्नी कैसे सुखी रह सकती है? उसने ठंडे दिमाग से सोचा। घर में बिना बताए वो इंटरव्यू के लिए चली गई, पर उसका कहीं भी सिलेक्शन नहीं हुआ। वो आजकल नम्र हो गई थी। एक दिन उसकी सहेली का फोन आया कि शॉपिंग के लिए चले, मॉल में सेल लगी है। तो उसने अपने कपड़ों की अलमारी देखी जो जरूरत से ज्यादा भरी हुई थी, इसलिए उसने अपनी सहेली को मना कर दिया कि उसे शॉपिंग पर नहीं जाना है। भारती जी को यह सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ और मन ही मन वो बहुत खुश हुई। रात को जब खाना बन रहा था तो समीक्षा ने आज भारती जी से कितना आटा लो और कितनी दाल लो जिससे अन्न बर्बाद ना जाए ये पूछा, तो उन्हें हैरानी हुई क्योंकि समीक्षा कभी ना पूछती नहीं थी, बस मन मर्जी का बना लेती थी, फिर वो फेंकने में ही क्यों ना चला जाए। रात के खाने के बाद समीक्षा तो अपनी सहेलियों के साथ घूमने चली गई। भारती जी ने आशुतोष से समीक्षा में आए हुए बदलाव के बारे में बताया तो उसे भी आश्चर्य हुआ। उसने पहली बार भारती जी के मुंह से समीक्षा के लिए इतनी तारीफें सुनी थी। आशुतोष ने समीक्षा के आते ही पूछा, कल डिनर के लिए बाहर चले और साथ में मूवी भी देख लेंगे क्योंकि तुम हर शनिवार को मूवी देखने जो जाती हो। हाँ, जाती थी, पर अब नहीं, अब से केवल महीने में एक ही बार जाएंगे। हर हफ्ते मूवी देखना और बाहर होटल में खाना ठीक नहीं है, इससे पैसों की बर्बादी होती है, समीक्षा ने कहा। तो आशुतोष को मम्मी की बात पर विश्वास हुआ। समीक्षा, तुम अचानक से कैसे बदल गई और इतनी समझदार भी हो गई? उस दिन मम्मी से जब बात हुई तो मैंने भी सोचा कि शादी का मतलब सिर्फ साथ रहना, सैर सपाटा, मौज मस्ती नहीं होता है। शादी का मतलब ये भी होता है कि जो भी घर में समस्या है, परेशानी है, उसे पति पत्नी दोनों मिलकर हल करें। मैं अपनी इच्छाओं का बोझ तुम पर लाती रही। मम्मी जी मुझे इतना समझाती रही पर मैं सबकी उपेक्षा करती रही। मम्मी इतने ऐशो आराम से रहती थी पर पापा को बिजनेस में घाटा लगा। वो लोग छोटे से घर में आ गए पर मम्मी ने उफ तक नहीं की। वो पापा के साथ आज भी बहुत खुश है क्योंकि पापा कर्ज मुक्त है। मम्मी ने उस घर को कितने अरमानों से सजाया था, एक एक चीज अपनी पसंद की लगाई हुई थी। उस घर से उन्हें कितना प्यार था, पर पापा को चिंता मुक्त देखने के लिए वो घर उन्होंने बेच दिया। एक क्षण भी देर न लगाई। इधर आप और मम्मी जी इतनी बचत करते हो
ताकि दीदी की शादी का और आपकी शादी का कर्ज चुक जाए, पर मैंने तुम्हारे दुख और चिंता की जरा भी परवाह नहीं की। मैं अपनी ही दुनिया में मस्त रही, पैसे लुटाती रही, मम्मी जी को इतना सुनाती रही। मैंने बहुत बुरा व्यवहार किया, सबके दिल को दुखाया, मैं मम्मी जी से कैसे माफी मांगू? वैसे ही जैसे एक बेटी अपनी माँ से माफी मांगती है। कमरे के अंदर आते हुए भारती जी ने समीक्षा के आंसू पोंछे और उसे गले से लगा लिया। समीक्षा, आज तुम सही मायने में आशुतोष की पत्नी बनी हो। तुम्हें अपने पति के दुख और चिंता का एहसास हुआ है। आज तुम जीवन संगिनी बनी हो, जो अपने पति के सुख दुख के भागीदार हो। तुम दोनों ऐसे ही खुश रहो बेटा। मम्मी जी, मुझे अपनी गलतियों के लिए माफ कर दीजिए। अब आशुतोष और मैं हम दोनों साथ में मिलकर सारा कर्ज चुका देंगे। मैंने कई जगह नौकरी के लिए आवेदन किया था, सब जगह से मना हो गई थी, पर आज सुबह ही एक जगह से हाँ आई है। आशुतोष की हर जिम्मेदारी अब मेरी भी जिम्मेदारी है। समीक्षा ने नौकरी कर ली, दोनों ने दिन रात मेहनत की और भारती जी के सिर पर चढ़ा सारा कर्ज उतार दिया। अब समीक्षा भी मित व्ययता से काम लेने लगी थी। वो कहीं भी फालतू पैसा खर्च नहीं करती थी। एक सुबह डॉक्टर ने बताया कि वो माँ बनने वाली है। घर में खुशी की लहर दौड़ गई। दोनों ननंदे भारती जी और आशुतोष भी खुश था, क्योंकि वो अब कर्ज मुक्त हो गए थे और नई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार थे। दोस्तों, चाहे पति कितना भी कमा रहा हो, फिर भी हर पत्नी को सोच समझ कर खर्च करना चाहिए। जीवन में सुख और दुख कभी कह कर नहीं आते हैं। हमें सुख का आनंद लेना चाहिए और आने वाले दुख के लिए भी तैयार रहना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आप क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।